शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करिष्णयेणां सर्वाङ्गभूषामृतां नीराश्वरुचिमासपाददशकां देवी महाकालिकां यामास्तौस्तुभिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं केतवम् महास्वाहा ॐ जनः स्वाहा तपः स्वाहा सत्यं स्वाहा तस्वी दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा आपोजि ज्योतिरस्वमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा ॐ अग्निये स्वाहा वायवे स्वाहा सोमाय स्वाहा रुद्राय स्वाहा ओम भगवती त्रिगुणात्मिकाय प्रियताम नमः ओम अरांग रिंग रोंग सह सूर्याय स्वाहा ओम श्रांग श्री श्रोंग सह चंद्रमसे स्वाहा ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय स्वाहा ओम भ्रांग भ्रीं भ्रोंग सह बुद्धाय स्वाहा ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों स गुरुवे स्वाहा ओम द्रांग ग्रीं ग्रों स शुक्राय स्वाहा ओम भ्रांग भ्रीं ग्रों स शनिश्चराय स्वाहा ओम भ्रांग भ्रीं ग्रों स राहवे स्वाहा ओम स्रांग श्रीं श्रों स केतवे स्वाहा ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्य स्वाहा ओम आदि देवताभ्य स्वाहा प्रत्यादिवताभ्य स्वाहा मान जी जो अभी नवरात्रों का फेस्टिवल शुरू हुआ है इसमें किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था जो है आपके द्वारा की गई है और आने वाले दिन जो है वो किस तरीके से खास रहने वाले हैं देखो आज पहला नवरात्रा है अब आज हमने आज से हम अपने मंदिर की टाइमिंग सारी बदल दी है हम आज मंदिर हमने सुबह 4 बजे खोला है और 1 बजे तक खुला रहेगा 1 से 2 लंच ब्रेक है उसके बाद रात को 9 बजे बंद हो जाएगा बाकी देखो जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हमको आई है हम उसी के मुताबिक ही चल रहे हैं देखिए मास्क बड़ा कंपलसरी है चाहे लोग बोल रहे हैं कि कोविड ख़त्म हो गया लेकिन मास्क का बड़ा ज़रूरी है हमने डिस्पेंसर लगाए हुए हैं हाथ सैनिटाइज़ कीजिए सोशल डिस्टेंस बड़ा ज़रूरी है पर यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं बाकी देखिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम पूरा है यहाँ लंगर की व्यवस्था है सुबह से लेकर शाम तक लंगर चल रहा है बाकी आप आइए ज़रूरी नहीं है देखो लोग बोलते हैं कि हम मंगलवार को आते हैं जी हम इतवार को आते हैं ज़रूरी नहीं है आप मंगल इतवार को आओ आप मंडे को आओ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को आओ जैसे ही आप ये दिन बांटेंगे तो करोड़ में फ़र्क आएगा बाकी देखिए माता रानी है इन्होंने जम्मू की रक्षा की है आगे भी ये रक्षा करेंगे हमको जी हाँ जी एक चीज़ हो रहा है कि लोग काफ़ी असमंजस एक ये भी है कि ये नवरात्रे 9 दिन के रहेंगे 7 दिन के या 8 दिन के रहेंगे इसमें कन्फ्यूजन जो है नहीं नहीं ये 9 दिन के पूरे नवरात्रे हैं इस बार जी श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश जो है आप देना चाहते हैं या क्योंकि रात के समय में ये कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आरती के समय पहुँच जाए तो रात को दरबार कब बंद होंगे इस पर कुछ खास टाइमिंग रखी है देखो लोगों को तो हम यही दाय दे रहे हैं कि कम संख्या में इकट्ठे हुए बाकी कोविड का जो भी है SOP में हमको ऑर्डर है उसके मुताबिक चले बाकी आराम से है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आज से चैत्र नवरात्रे का पर्व पूरे भारतवर्ष में खूब धूमधाम से मनाया जाएगा और 9 दिन तक ये नवरात्रे चलने हैं क्या कुछ खास रहने वाला है माँ मावे वाली के दरबार में किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा और आप यहाँ पर किस तरीके से पहुँच सकते हैं वो तमाम बातें करने के लिए मेरे साथ सुरेश शास्त्री जी से बातचीत करूँगा जानने का प्रयास करूँगा सुरेश जी सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज से जो है नवरात्रे का पावन पर्व जो है वो शुरुआत हो चुकी है क्या कुछ खास जो है आप श्रद्धालुओं के लिए जो है इस बार जो है वो करने जा रहे हैं जय माता की सभी भक्तों को माँ भगवती का गोरी गोरी आशीर्वाद और बहु एक्सप्रेस देखने वाले सभी श्रद्धालुओं को इन नवरात्रों की शुभकामनाएं मंगल कामनाएं जैसा कि आप देख रहे हैं माँ भगवती के दरबार में भक्तों का तांता जो है उमड़ा हुआ है क्योंकि 2-3 साल जो है हम नवरात्रों का फेस्टिवल ना मना सके इस कोरोना महामारी के कारण परंतु इस बार जो माँ भगवती ने हमें अवसर प्रदान किया है इस कोरोना महामारी का जो है वो निवारण किया है हम शुक्रगुजार हैं माँ भगवती के माँ देवी के कि इन्होंने हमें इस कोरोना बीमारी से विमुक्त किया और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका हम सब भक्तों ने ध्यान रखना है जो भी माँ भगवती के दरबार में माथा टेकने आ रहे हैं वह सब भक्तजन जो है
सोशल डिस्टेंस बना कर आएँ, थोड़ा सा SOP का ध्यान करें और सिर ढक कर आएँ। माता के दर्शन करते हुए माता से ये निवेदन करें, माता से ये प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हमारा कल्याण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें इस महामारी से भी मुक्त करें। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, किस तरीके से आप श्रद्धालुओं, क्योंकि 2 साल जो जैसे खुद का कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालु बड़ी तादाद बहुत कम थी, अब जब देखा जा रहा है कि सारी तमाम चीज़ें जो हैं, गाइडलाइंस जो हैं, उन्हें रिवाइज किया गया है, सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसी का पालन करने के लिए कहा गया है, तो कितनी अपेक्षा है कि इस बार जो है श्रद्धालु जो हैं माता के दरबार में पहुँच सकते हैं, कितनी तादाद लगती है? यहाँ पर जो 2-3 साल से नहीं आए हुए श्रद्धालु वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रश है, लेकिन जितनी उम्मीद हमने लगाई हुई थी उतने लोग जो है माँ भगवती के दरबार में नहीं आए। बाकी यहाँ के महंत विट्टा जी द्वारा प्रत्येक प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, क्या वो सोशल डिस्टेंस को लेकर है या सैनिटाइजेशन को लेकर है, या माँ भगवती के दरबार के अंदर माथा टिकाने के लिए जो व्यवस्था है, और हमारा जो सिक्योरिटी को लेकर है, जहाँ CCTV कैमराज को लेकर है, या उसके बाद डिस्पेंसरी जो है 24 घंटे यहाँ पर वैसे भी खुली हुई है, लेकिन नवरात्रों में जो है विशेष रूप से ध्यानपूर्वक खोली गई है, और उसके बाद आ गया यहाँ पर फलाहार इत्यादि की व्यवस्था, भोजन की भी व्यवस्था और हवन यज्ञ की व्यवस्था, जो आम लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन ये वो वहाँ भगवती के दरबार में जो सुविधा होनी चाहिए वो पूरी सुविधा जो है यहाँ के महंत बिट्टा जी द्वारा दी गई है। इस बार का जो नवरात्रे हैं वो बाकी पिछले जितने साल आए नवरात्रे उनमें से क्या खास जो है वो रहने वाला है, कुछ ग्रह दिशा से, कुछ अलग दिशाओं से जो है वो आप बताना कोशिश। देखिए, ग्रह दिशा भी माँ भगवती के चरणों में आकर झुकती है, क्योंकि भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है, और भक्तों में ये भक्ति का जो भाव है ये माँ भगवती के चरणों में लगा रहना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ी बीमारी जो है माँ भगवती के चरणों में आकर झुक जाती है। बाकी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है पहले से लेकर अब तक, क्योंकि भक्तों ने पिछले नवरात्रों में जो है माँ भगवती का एक मंत्र जो था कोरोना के लिए, उपसर्गान शीशांशु महामारी स्मुद भवान त्रिविध उत्पातम महात्म्य शमने नमः इत्यादि जो है, या रोगान शेषानापंसी इत्यादि जो मंत्र है, इसका जो प्रयोग किया, हवन यज्ञ किया और अनुष्ठान करके माँ भगवती को प्रसन्न करके इस महामारी से भी मुक्ति पाई है, और जो बची हुई है वो सब भक्तगण जो है अपने अपने घरों में रोज जो है थोड़ा से 2-4 होती हैं हवन यज्ञ की जरूर करें, जिसमें नवान मंत्र का प्रयोग करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे इत्यादि मंत्र से जाप करें, जहाँ अपने गुरु द्वारा दिया गया मंत्र हो उससे जाप करके 2-4 आहुतियाँ हैं माता की जो है अपने अपने घरों में अवश्य देनी चाहिए, जिससे जो बची खुची बीमारी है या कुछ और भी अपद्रव होने वाला हो वो सब संकट जो है दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद शुभम जी, और माता रानी आपके चैनल को जो है वो आशीष दे, आशीर्वाद दे, तरक्कियाँ दे, और साथ में आप सब जो देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस इत्यादि जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, उनको गोरी गोरी आशीर्वाद। जय माता की। आज पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे के उपलक्ष पर हम आपको लेकर आए हैं माँ बावे वाली के पावन भवन में, माँ भगवती के पावन भवन में आपको दर्शन करवाने लाए हैं। आप दर्शन भी कीजिए, साथ साथ में आज से जो 9 दिन रहेंगे वो किस तरीके से आपके लिए रहने वाले हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है, बातचीत जो है वो सुरेश शास्त्री जी से भी करेंगे, महंत बिट्टा जी से भी करेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे कि 9 दिन तक श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरीके की जो व्यवस्था है वो की गई है श्रद्धालुओं के लिए। और फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय मैं बिल्कुल हमावाली के भवन के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर तमाम वो सजावट जो है बोरे पीछे आप देख सकते हैं वो करके रखी हुई है। श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर नतमस्तक होकर माथा टेक रहे हैं, काफ़ी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। हालांकि यहाँ पर पहुँचने से ये तो साफ दिख रहा है कि जितनी हर साल जब नवरात्रे आते हैं जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो उमड़ती है उसमें गिरावट जो है वो देखी जा रही है। इसके अब कई कारण हो सकते हैं, शायद लोगों को ये इलम नहीं है कि अब SOPs जो है उन्हें हटा दिया गया है, अब सिर्फ SOPs जो है वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके लिए ही रखी गई हैं। फिलहाल ये विजुअल्स जो हैं वो आपको माँ बावे वाली के पावन भवन जो है उसकी दिखा रहे हैं। लाइव विजुअल्स आप बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्रद्धालु नतमस्तक होकर माथा टेक रहे हैं, सकुशल कामना जो है वो मांग रहे हैं माँ बावे वाली के पावन भवन में माथा टेक कर, यही सब दुआ कर रहे हैं कि आने वाले जो वर्ष रहें, आने वाला जो वर्ष रहे, ये पूरा वर्ष जो रहे, सभी इंसान जो हैं वो सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ जो है वो हंसते खेलते वो ज़िंदगी जो है उसे व्यतीत करें। और आज से 9 दिन जो रहेंगे ये हर दिन जो है इसी तरीके के रहने वाला है। हर दिन जो है माँ बावे वाली के भवन में जो है वो
तांता जो है भक्तों का लगा रहेगा और लंबी कतारें जो हैं वो लगी रहेंगी। शाम के समय में, संध्या के समय में आरती तो हर दिन होती है, लेकिन इन 9 दिनों में बाहु एक्सप्रेस भी प्रयास करेगा कि आप तक वो विजुअल जो हैं वो भी पहुँचाए जाएँ। आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए और आप भी जय माता दी लिख वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। इधर उग्र के साथ शुभम लंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करिष्णेनां सर्वाङ्गभूषामृतां नीराश्वरुतिमास्य पाददशकां देवी महाकालिकां यामास्तौष्टभिते हरौ कमलजा हन्तुं मधुं केतवं ध्यानं त्रिगुणात्मिकायै प्रियतां। शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करिष्णेनां सर्वाङ्गभूषामृतां नीराश्वरुतिमास्य पाददशकां देवी महाकालिकां यामास्तौष्टभिते हरौ कमलजा हन्तुं मधुं केतवं ध्यानं त्रिगुणात्मिकायै प्रियतां नमः। ॐ शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करिष्णेनां सर्वाङ्गभूषामृतां नीराश्वरुतिमास्य पाददशकां देवी महाकालिकां यामास्तौष्टभिते हरौ कमलजा हन्तुं मधुं केतवं ध्यानं त्रिगुणात्मिकायै प्रियतां नमः। ॐ स्वाहा स्वाहा महास्वाहा ॐ जनः स्वाहा तपः स्वाहा सत्यं स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा आपोजि ज्योतिरस्वमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा वायवे स्वाहा सोमाय स्वाहा रुद्राय स्वाहा। ओम भगवती त्रिगुणात्मिकाय प्रियताम नमः। ओम अरांग रिंग रों सह सूर्याय स्वाहा ओम श्रां श्रीं श्रों सह चंद्रमसे स्वाहा ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय स्वाहा ओम ब्रां ब्रीं ब्रों सह बुद्धाय स्वाहा।